अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। हमने इसमें कचौरी के लिए बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब चिकन बॉईल होगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। मम्मा कचौरी के लिए मैदा गूंद रही हैं क्योंकि मुझे तो गूंदना आता नहीं है, इसलिए मैंने मम्मा को बोला कि आप थोड़ी सी हेल्प करें और मुझे मैदे की अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बना दें ताकि हम कचौरी की तरफ बढ़ सकें। हमारी डो माशाल्लाह तैयार है। सेटअप हमने अपना लगा लिया है, अब हम अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। चिकन बॉईल है, बंद गोभी और गाजर ऐड करेंगे। बंद गोभी हमारी इतनी प्यारी कटिंग हो चुकी है, अब हम अपनी गाजरों को कटिंग करते हैं। एक गाजर नहीं डालेंगे, दो तीन डालेंगे। आलू के समोसे ये बॉईल चिकन है जिसे हम सेट करेंगे। चिकन का सेटअप लग चुका है। शेडेड चिकन, कैरेट, अनियन, कैबेज और सॉसेस है। हेलो, ये अदरक लहसुन का पेस्ट। कौन सी कौन गाइस, ये हमारे अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट तैयार हो रहा है। प्याज को सॉटी करने के बाद उसमें आप कैरेट जो बारीक बारीक काटी हो आपने वो ऐड कर दें। उसके बाद चिकन को ऐड करें और इनको अच्छे से सॉटी करें। में आप घर के मसाले में रेगुलर स्पाइसेस, दादर मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च, हल्दी, सीक्रेट मसाला, पाउडर, कोई सीक्रेट नहीं है, ये खुश्क धनिया है, नमक है। मसाले अच्छे से आप फ्राई कर लें ताकि उनमें कच्चा जायका ना आए, सही से वो फ्राई हो जाएं। तो उसके बाद आपने सॉसेज ऐड करने हैं और बंद को भी ऐड करनी है। आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं लेकिन मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मसाला कितना अच्छा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, आप भी ज़रूर ट्राई करें। मम्मा ने कचौरी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले अपने गोल गोल मज़ेदार से पेड़े बनाने हैं, सिंपल से कोई भी बना सकते हैं, जैसे मैं भी ये बना सकती हूँ। आगे के स्टेप मुझे नहीं आते, आगे के स्टेप मम्मा खुद ही करेंगी। फिर आपने उस गोल पेड़े को ऐसे रोल कर लेना है, बेल लेना है अच्छा सा, उसके ऊपर घी लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा आपने झाड़ना है ताकि वो आपस में चिपके ना। फिर आपने उसकी लेयर्स तैयार करनी है। ये इजी तरीका है कचौरी बनाने का, वरना कचौरी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने लास्ट रमज़ान में एक वीडियो अपलोड की थी, आप वो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लेयर बाय लेयर बहुत ही डिफ़िकल्ट था। लेकिन इस दफ़ा मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ, आप चेक करें। सिर्फ एक चकोर रोटी बनानी है, उसमें जितनी लेयर्स आ जाएँ उस चकोर रोटी के बाद आपने उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देना है, चकोर पेड़ा बना के। फिर उसको आपने अच्छे से बेल लेना है, इतना साइड से बेशक पतली कर दे लेकिन आपने दरमियान से मोटा रखना है क्योंकि आपने वहाँ पे मसाला एडजस्ट करना है। अगर मसाला फट गया तो फिर आपका आपकी जो कचौरी होगी वो अच्छी नहीं होगी, अंदर से मसाला जल जाएगा फ्राई करते वक्त और फिर वो खाने में टेस्ट अच्छा नहीं देगी। इसलिए आपने दरमियान से हल्की सी मोटी रखनी है और साइड से आप बेशक बारीक कर लें। फिर उसे एक एक उठा के चारों कॉर्नर से एक दूसरे के ऊपर रखे एक फ्लावर सा बना लें, जिस तरह आपको इजी लगता है। ये इजी वे है, वैसे और भी तरीके होते हैं कचौरी के। एक अच्छा सा फ्लावर बना लें, इसको ऊपर से ऐसे रोल करके फोल्ड करके फिर आप इसे सेटल होने के लिए रख दें। देन आप इसे 10 मिनट तक फ्राई कर सकते हैं। माशाल्लाह हमारी सारी कचौरियाँ रेडी हैं, अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये पकती जाएगी खुद ब खुद ऊपर आती जाएंगे क्योंकि बिल्कुल ये लो आंच पे बनती हैं। कचौरियाँ ऊपर आ गई हैं माशाल्लाह से, अब देखते हैं कितनी देर लगाती हैं फ्राई होने में। माशाल्लाह जी हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह हमारी कचौरियाँ बिल्कुल तैयार हैं, देखें कितनी प्यारी गोल गोल और क्रिस्पी हैं। खाने में ये इतनी क्रिस्पी थी, बाहर से क्रिस्पी अंदर से नरम, और घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ थी माशाल्लाह। फिर हमने उसी ही मैदे से समोसे भी घर पे बनाए थे क्योंकि हमारे घर में एक छोटी सी इफ्तार की दावत थी माशाल्लाह से, और हम लोग ने घर पे सारा हाइजीन का ख्याल रखते हुए बनाया था क्योंकि वो लोग बाहर से कुछ खाते हैं तो उन्हें एलर्जी हो जाती है। हमने सारा इंतज़ाम घर में किया हुआ था, चाहे वो समोसे हैं, कचौरी है, कचौरी बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है तो हमने समोसे कचौरी हर चीज़ घर पर ही बनाई थी। रोटी को अगर आप समोसे के लिए थोड़ा सा बेक कर लेते हैं, पका लेते हैं तो उससे समोसे बहुत ही टाइट, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल वैसे बनेंगे जैसे आप दुकान से बाय करते हैं।
और इसको आप शेप दे लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रोटी गोल होती है और गोल रोटी के समोसे तो नहीं बन सकते। इसको प्रॉपर आप एक शेप दे लें जिससे आपका काम आसान हो जाएगा और आप अपनी पट्टियाँ बना सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है घर पे इजीली। ये मेरी खाला माशाल्लाह से काम कर रही हैं, इनके इफ्तार थी और यही काम कर रही थी। ये उन्होंने प्रॉपर एक साइज़ लेके फिर उन्होंने कटिंग की थी और फिर समोसे बनाने तैयार किए थे। वो इन कामों में माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, मैंने ये काम इन्हीं से सीखे हैं। ये बहुत ही प्यारे समोसे बनाती हैं घर पे। ये वैसे भी बना लेते हैं लेकिन ये आइडिया मैंने दिया था कि रोटी को थोड़ा बेक कर लें ताकि आपको इजी हो जाए। समोसे का मसाला हमने अलग से बनाया हुआ था और इसमें हमने आलू भी ऐड किए थे, क्योंकि समोसे में आलू ना हो तो समोसे का मज़ा नहीं आता है। हमने बहुत सारे समोसे पहले तैयार करके रख लिए थे, थोड़ी देर के लिए इन्हें रेस्ट दिया, फिर हमने इन्हें फ्राई किया था। फ्राई करके इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप दुकान से बाय करते हैं। घर पे भी हमने वैसे ही बिल्कुल शेप दे के बना ली थी। अगर खाला ना होती तो शायद इतना काम तो मैं नहीं कर सकती थी। माशाल्लाह से समोसे देखे किस तरह ऊपर आ रहे हैं, तैर रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। सारी चीज़ें हमने घर पर तैयार की थी। इतने सारे समोसे अगर आप बाज़ार से ख़रीदे तो आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। ये वो पीस हैं जो हमने रोटी को शेप देने के लिए साइड से कट किए थे, और इनको ज़ाया करने से बेहतर है कि आप इनके नमक पारे वगैरह बना लें जो दुकान से आप लेते हैं, जैसे फाफड़ा। लाइक बैंगन के पकौड़े मेरी दादू की फरमाइश पर बने थे, क्योंकि वो आलू के नहीं खाती है, हमारे घर में थोड़े डिफरेंट खाते हैं। मेरी सिस्टर और मेरा भाई आलू के पकौड़े खाते हैं, दादो बैंगन के खाती हैं, और मेरे कज़न्स जो हैं वो मिक्स पकौड़े खाते हैं। फिर हमारे घर पे तीन किस्म के तो सिर्फ पकौड़े ही बनते हैं। अपने भाई के नखरे उठाती हूँ। आज मैंने इसकी फरमाइश पे कचूरी समोसे पकौड़ों की बारिश कर दी। इफ्तार का टाइम माशाल्लाह हो चुका था, हर चीज़ हमारी तैयार थी। हम सब ने मिल के दस्तरखान सजाया। मिल बांट के काम करने का ही मज़ा आता है। फिर मेरी दादो ने बहुत सारी दुआएँ की। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला मेरी दादू की सारी दुआएं कबूल फरमाएं, आमीन। माशाल्लाह रोज़ा खुल चुका है और सब लोग मिलकर इफ्तार कर रहे हैं। मिल बांट के खाने में कितना मज़ा आ रहा है, आज रोज़े का पता चल रहा है जब साथ एक साथ बैठ के खा रहे हैं। सब कुछ खाने के बाद सबसे पहले तो फ्रूट चाट खानी पड़ती है, मम्मा वरना डांटती हैं। फ्रूट चाट खाने के बाद हम सब ने सबसे पहले कचौरी पे हमला किया, क्योंकि कचौरी माशाल्लाह इतनी मज़े की लग रही थी, इतनी अच्छी बनी थी। मसाला मेरे हाथ का और कचौरी बनी मेरी मम्मा के हाथ की, तो मज़े की कैसी नहीं हो सकती। घर की साफ़ सुथरी चीज़ थी। उसके बाद हमने समोसे खाए, पकौड़े खाए, मगरिब की नमाज़ अदा की, सब ने साथ मिलके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जब सब साथ होते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है माशाल्लाह से। फिर सब ने दो मछली पानी में गई। सब काम ख़त्म करने के बाद हमने मज़ेदार सा एक मछली पानी में गई खेला, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा यादगार दिन था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।